पता है, सम चतुर्भुज के बारे में मैं आपसे सारी बातें कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर विकर्ण 26 सेंटीमीटर है एक विकर्ण। अगर एक विकर्ण 26 होगा, और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर और विभाजित होते हैं, यानी कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक 13 हो जाएगा, 13 13 में डिवाइड हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इस विकर्ण का मान निकालना है, इस वजह से इस विकर्ण इस हिस्से का मान निकालना है। तो क्या मैं इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब क्या आपको कोई ट्रिपलेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा तो क्या करना होता है, पाइथागोरस लगानी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर माइनस 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलने पर 27 आ रहा है। अब 27 का जो रूट आता है वो कितना हो जाएगा, 3√3। अब 3√3 क्या है, ये वाला पार्ट है, हमें पूरा विकर्ण निकालना है। तो क्या होगा, डबल होगा ना, ऐसी बात है, हमें पूरा विकर्ण निकालना होगा। तो 3√3 का आपका ये डबल हो जाएगा, यानी कि 6√3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा, इसको जामा पहनाइए, और आपके सामने आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। जल्दी करा करो, थोड़ा फास्ट हो जाओ। और मैं ये कहूंगा कि हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा है, और ये निश्चित है बात, ठीक है ना। तो बस अपने इम्प्रूवमेंट को देखो, और समस्या तो हमेशा रहेंगी, समस्या कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 1,000 रुपए की राशि है, तारा तमन्ना टीना में बांटी जा रही है, और तारा तमन्ना तारा तारा और टीना की राशियों का अंतर, आप मुझे बताओ, ये तारा है और ये टीना है। अब हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि टोटल राशि क्या है, 6 और 5 11 और 4 15, 15 रेशो बराबर आपका अगर 1,000 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 बटे 15, और अंतर कितना है, 2 रेशो। आप इसको अब सॉल्व करिए, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, सीधा सा बात है, आंसर ये हो जाएगा, साफ बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा, अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, स्पीड से काम करना सीखो और एक्यूरेसी के साथ में, गलती कम करो और स्पीड पे काम करो। प्राची सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए प्राची तुम्हें, बताओ मुझे। सॉल्यूशन वाली फाइल मैंने कल भी डाली थी और आज भी डाली है, ऊपर नीचे देख लिया करो, है ना, मिल जाती है, जरूरी नहीं है टॉप पर रहे। चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, अगर 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो उसको पार करने में 13.5 सेकंड लग रहे हैं, अगर 205 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो उसको पार करने में 18.25 सेकंड लग रहे हैं। आप लोग मुझे बताओ कि ट्रेन इसमें भी अपनी दूरी तय करेगी, इसमें भी अपनी दूरी तय करेगी, यानी कि क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो तो कॉमन है ना, ट्रेन की डिस्टेंस तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है ना। तो जो टाइम का फर्क आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, और ये टाइम डिफरेंस क्या है, हम ये देख पा रहे हैं टाइम डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। 4.75, वेरी गुड, 4.75 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये किस वजह से आ रहा है, डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा तय कर रहा है वो, 95 मीटर, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 4.75 सेकंड में अगर वो 95 मीटर तय कर रहा है, तो हम यहाँ साफ साफ पहचान पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड मीटर पर सेकंड में, क्या मैं ये कह सकता हूँ 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और इस 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो
18/5 का गुणा कर देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात को दोबारा से सुनना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या किया है सर ये। मेरी बात को सोचो आप भाई साहब, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की दूरी लेती है और उस प्लेटफॉर्म की दूरी लेती है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन पार कर रही है, वही ट्रेन पार कर रही है ना। तो आप मुझे बताओ कि भाई जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा दूरी कितनी तय करने में लग रहा है, 95 मीटर। यानी कि ट्रेन द्वारा इतने सेकंड में इतनी दूरी तो एक्स्ट्रा तय की गई है, ठीक है ना। ट्रेन तो कौन, ट्रेन की लाइन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बस अब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 20 मीटर, यही आपकी ट्रेन की स्पीड है। हमें जो स्पीड पूछी है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, यानी कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, ठीक है। नौसाद अली नॉर्मल तरीके से लेंदी हो जाता है, नॉर्मल तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सर 20 कैसे आया, कौन सा 20, अरे ये काटना नहीं आता क्या नुपुर तुम्हें, जब हम इसको नीचे लेके 100 से काटेंगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है और 20 आ गया नीचे, तुम्हें काटना भी नहीं आ रहा है। चलिए वो कर लेते हो उस बाद में, दिमाग लगा लिया करो कि कहाँ से लाएगा टीचर 20, टीचर ऐसी बना देगा 20। हाँ मैं चेक कर लूंगा पवन, 5 बजे वाली क्लास को, टेंशन ना लो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। नौशाद अली मैं अपने आप स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन ना लो, बूस्टर खत्म होने के बाद स्टार्ट करूंगा, है ना। बूस्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, अर्थमेटिक प्रैक्टिस सेशंस, इसमें हम सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मनीषा टॉप पर है, दूसरे नंबर पे जितेश सिंगल है, तीसरे नंबर पे पूनम कुमारी, ठीक है। चैप्टर वाइज करेंगे इस बार अपन, ठीक है ना। अभी पहले पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या बोला गया है कि 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों के निर्माण के लिए टायरों के बारे में जानकारी दर्शाता है। यदि 2017 में भारत की विभिन्न कंपनियों में टायरों की संख्या कितनी है, 1,80,000 है, तो कंपनी बी द्वारा निर्मित तो 30% टायर ही तो निर्मित किए गए हैं, तो 30% आप, ठीक है। चलिए तो 54,000 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। बूस्टर खत्म नहीं हो रहा भाई, अब चैप्टर चैप्टर वाइज बूस्टर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आंसर दीजिए। देवराज आप कोई सा भी कोड लगाओ आपको 10% मिल जाएगा, चाहे साहिल 10 लगाओ चाहे वो लगाओ, वाईफाई एनटीपीसी, ठीक है। सारी मिल जाएंगी देवराज, परेशान मत हो। टाइम सब हो गया और आपने सभी ने आंसर भी दे दिया है, देखो कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, एक तैमूर को पुराने स्टीरियो को पुनः बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब कोई भी चीज, ये इतना क्या है, ये 3/8 है ना, यानी कि 8 से 11, ये है ना 8 से 11 होगा, इतने का लाभ हुआ, तो ये आपका क्रय मूल्य है, तो ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। अब आपका 8 रेशो बराबर आपका किसके बराबर है, 3880 के बराबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, तरीके बहुत सारे होते हैं आपको पता है, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। आपसे मैं ये कह दूं, इनमें कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल वाला ऑप्शन देख लो ना आप,
क्योंकि जो 11 से डिविजिबल होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशो मेथड से कैसे करोगे, एक रेशो की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद इससे गुणा कर दोगे, तो बात तो वही है, बात तो वही है। तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ना 485 में, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दिमाग थोड़ा बहुत चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। सर पहले नंबर सिस्टम का बूस्टर लाना प्लीज। क्यों भाई, पहले नंबर सिस्टम से क्या लगाव है मेरा? अभी नंबर सिस्टम का कोर्स अभी खत्म किया है मैंने। अगला प्रश्न, चलिए व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम किया। ठीक है, तो 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम किया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि वो तालाब कैसे खोदा गया, 10 दिनों में 5 आदमियों के द्वारा, 10 दिनों के बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए। मेरी एक एक बात को सुनना आप लोग, एक एक बात को सुनना, कोई इशू नहीं है। अब क्या करें, बगल में काम चल रहा है तो उसको कैसे रोकू, जाकर बताओ, अभी आवाज तो आएगी ना, तो अब देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम किया, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये आपका टोटल काम हो गया, आया ना, मुझे बता दो। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया ना। अभी आप देखो, छेड़ो मत इसको, आपसे ये कहना चाह रहा है कि 10 दिनों के बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 15 व्यक्तियों ने 10 दिनों तक तो काम किया है? ठीक है, तो 15 व्यक्तियों ने 10 दिनों तक किया है, उसके बाद क्या हुआ, 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी कि 15 व्यक्ति की जगह 10 व्यक्ति रह गए, चले गए, काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी कि इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, और अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति चले गए। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, समझ में आ रही है सारी चीजें? भाई देखो, 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति छोड़कर गए, ठीक है, अब अगले 5 दिनों तक उन 10 व्यक्तियों ने काम किया, जो 10 व्यक्ति बचे थे मेरे पास, 15 में से 10 व्यक्ति बचे ना, अब 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास कितना बचेगा, 5 आदमी बचेंगे। बोलो, अब काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहां मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास 300 है, 300 में से मैं 150 और 50, 200 अगर माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, 100, 100। ठीक है, अब 100 में आप अगर 5 का भाग दे देते हो तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20। तो 20 दिन तो यहां लग रहे हैं। अब काम पूरा करने में पूछा गया है, तो भैया देखो, 20 और 10 30 और 5 35 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 35 दिन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, किसी का कुछ और? हाँ सही है, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, पोल में 25 था, पोल में 25 था तो जरूरी है आंसर वो 25 हो, 25 होना चाहिए। अच्छा, कैसे होना चाहिए 25? भाई 25 आ रहा है मेरा, किस किस का 25 आ रहा है, दोबारा देखो, जिसका 25 आ रहा है वो गलतियां बहुत कर रहे हैं ना, एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया, तो 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में तालाब खोदने का काम लिया,
ये आपका टोटल काम हो गया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? टोटल वर्क ये तो अपना अलग हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि 10 व्यक्तियों 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए। अब 10 दिन तक कितने व्यक्तियों ने काम किया बताओ? 10 दिनों तक 15 व्यक्तियों ने काम किया है, यानी कि 150 आपका काम हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अब आपसे बोला गया है कि अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, ये अच्छी बात है ना? 10 दिन में 20 मैन, 10 दिन में 20 मैन कहाँ है भाई? 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए ना, तो पहले 15 व्यक्ति थे ना, अब 10 ही तो व्यक्ति बचे, है ना? तो भाई 15 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया, अब मेरे पास 10 व्यक्ति बचे क्योंकि 5 छोड़कर चले गए उन्होंने 5 दिनों तक, अगले 5 दिनों तक, ठीक है। तो 50 काम ये हो गया, 50 काम ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया, 5 और चले गए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा पूरा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ 200 इसमें से चले गए, ठीक है, तो 300 और 100 काम बचा, बटे 5, 20 दिन तो यहाँ लग गया, ठीक है, आपका काम हो गया आसान, 20 यहाँ लग गया, 35। सर उसने पूरा काम ओनली डे काउंट करेंगे और क्या? सर उसने क्या बोल रहे हो, उसने उसने पूरा काम काम नहीं बोला। अच्छा, पूरा काम नहीं बोला उसने? भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या समझते हो क्वेश्चन को? अब अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं समझा। सर 5 वाली क्लास क्यों नहीं हुआ था? 10 बार क्यों पूछा ये क्वेश्चन? ऑलरेडी आई आंसर्ड, ठीक है, मैं पहले ही दे चुका हूँ जवाब। 10 बार क्यों पूछते हो एक ही क्वेश्चन को तुम? करो तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अब इस चीज को देखिएगा, इस चीज को देखिए, इस क्वेश्चन को। एक नदी है, एक नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसकी विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री कोण बनाता है, तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पेपर में भी आ सकता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा बना एक घर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक किनारा है जहां पर एक घर बना हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, हमसे बोल रखी है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर आपकी है, 15 मीटर ऊंचा ये घर बना हुआ है। अब इसके विपरीत किनारे पर, दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी है सामने, ठीक है भैया, मैं एक क्या करता हूँ, एक चिमनी बना देता हूँ। दूसरे किनारे पर क्या है, एक चिमनी है, ये लो, ठीक है, एक चिमनी मैंने बना दी। अब बोला गया है कि चिमनी के दूसरे किनारे पर स्थित चिमनी के सामने है घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला कोण मुझे दे रखा है, ये वाला। अपने आप डायग्राम बनाना सीखोगे ना तो मजा आएगा। देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अवनमन कोण ऐसा होता है, यहाँ पर 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल की वजह से, अल्टरनेटिव एंगल की वजह से ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये अवनमन कोण है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोगों को डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री बनाता है। अब हमसे बोल रखा है चिमनी के शीर्ष से, है ना, घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कि यहाँ अगर घर घर का तल है और चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर मैं बनाना चाहता हूँ, यानी कि चिमनी ऊपर होगी, ये कितना है, 60 डिग्री, ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब आपके सामने क्या क्या बोली गई है चीजें आप देख सकते हैं। आपसे बोला गया है कि चिमनी की ऊंचाई निकालो, पहले तो मैंने मान लिया ये एक्स है, और आपसे बोला गया है कि ये चौड़ाई निकालो, नदी की लगभग चौड़ाई कितनी है, मैंने इसको वाई मान लिया। सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन को करना। अब मुझे बताओ, ये आपका 15 दे रखा है, ये अगर 15 दे रखा है और ये 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री के सामने अगर 15 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा सर 15√3, क्लियर है। अब मैं ये कह सकता हूँ 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने अगर 15√3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 15√3 का भी √3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 45। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आराम से करो, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तो ये इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 × 1.732 आपको करना होता है, जो कि लगभग लगभग आपका 26 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, इसका मुझे आंसर दें, बट ट्राई करें, सब कुछ क्लियर होगा, बस अपनी स्पीड पर ध्यान रखें। चलो बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, जरा देखिएगा। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर की दूरी को दूरी वाले दो स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है, आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वापसी का सफर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी। अब औसत गति क्या होती है, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी अगर एक सेम डिस्टेंस पे जा रही है और एक सेम डिस्टेंस से आ रही है, तो यहाँ पर आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy/x+y। तो यहाँ पर एक सिंपल एक लॉजिक होता है, इसको आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, और इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, इसमें नीचे 150 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 72 आपका आंसर आ रहा है। सर 1 सेकंड में उत्तर कैसे आ सकता है, अरे इसकी टेंशन तुम्हें क्या है मुझे बताओ, ठीक है। अब रही बात, कुछ बच्चे कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर इसका बेसिक बेसिक आपने अगर मेरे से नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को कर कैसे पा रहे हो भाई, ठीक है ना, मुझे बताओ। बेसिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अब ये बेसिक का समय नहीं रहा, स्पीड को बूस्ट अप करने का समय है। हम जानते हैं एक डिस्टेंस को एक्स स्पीड से तय करने में लगा समय, उसी डिस्टेंस को वापस वाई स्पीड से तय करने में लगा समय आपका किसके बराबर होता है, आपका टोटल समय के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, कुल दूरी हमारे पास हो जाएगी 2D/ कुल समय, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी D/x और +D/y, तो यहाँ से यह सॉल्व करके आ जाएगा आपको। सर डिस्टेंस निकाल के बताओ, अच्छा डिस्टेंस निकाल के बताओ, डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे, बोलो अगर आपको टोटल टाइम पता है तो डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे, हाँ कोई मजाक चल रहा है भाई, डिस्टेंस अपने पे कैसे क्या होगा, डिस्टेंस बराबर x × y, अगर टोटल टाइम मुझे दे रखा है तो मैं यहाँ डिस्टेंस लगा दूंगा, लो निकल गई डिस्टेंस, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ
टोटल टाइम अगर मेरे पास होता तो मैं डिस्टेंस भी निकाल लेता, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई, चलिए। क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या होता है, यहाँ पर एक्स किलोमीटर बोल रखा है, एवरेज स्पीड में कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न करिए। देखो, बातों में ध्यान देने के बजाय पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो पढ़ाई करो। डीआरडीओ 31 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ अनअकैडमी पर विशाल, है ना? वो सीडीएस और एफकैट कैटेगरी में आपको मिलेगा। मैंने बहुत बच्चों का ध्यान रखते हुए 1 महीने का ही मतलब मैथ कंप्लीट करवाऊंगा मैं, 1 मंथ में प्री का। अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हो आप, 3 महीने का ले सकते हो। तो मैं पहले 1 महीने का ही कोर्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी बैंक वाली मैथ करवा दूंगा। थोड़ा बहुत रेलवे में पढ़ा हुआ है तो वहां से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। थोड़ा उसमें बैंक वैंक आता है, नंबर सीरीज आता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आता है ना, ये भी आ सकता है। हाँ, 1600 रुपये नहीं, 1400 रुपये पड़ेंगे। साहिल 10 अब लगाओगे तो पड़ जाएगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो बातें बाद में करेंगे। देखिएगा, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने इतना टाइम हो जाती है, तो अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो तो क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ, तिमाही मतलब क्या होता है? अगर तिमाही मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो आपका रेट है, वो रेट तो आपका हो जाएगा 1/4, और आपका टाइम कितना हो जाएगा? 4 टाइम, ठीक है? तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक पता है कि भाई 625 हो जाता है 256 का, तो क्या मैं कह सकता हूँ अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 256 का हो रहा है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर, ठीक है? ठीक है, घर रहो ना भाई राहुल, घर रहो आराम से। किसने बोला पटना रहो? पटना जबरदस्ती रहेगी, क्या करोगे? ठीक है, चलिए। तो अब मुझसे आप बताइए कि ये आपके सामने अगर मैं कहता हूं कि 4 टाइम है, तो आप इसका √4 ले लो ना। आप इसका √4 लेके बताओ कितना आ रहा है रेट, बताओ √4 लेने के बाद कितना आ रहा है। तो आपको सिंपल मैंने बताया था कि अगर 4 टाइम्स आपका हो रहा है, यानी कि अगर 1 वर्ष की बात की गई है, तो आपको 4 टाइम करना पड़ेगा, यानी कि 4 साल। तो पहले भी आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपका ये है, तो आपका ये हो जाएगा 4 टाइम अगर आप लोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 और 5। तो रेट कितनी आ रही है देखो, 1/4 × 100, 20%। अब ये जो 20% रेट आ रही है, ये कौन सी रेट है? ये जब हमने आपका टाइम 4 साल लिया है, तो रेट भी हमारी 1/4 आई होगी ना, रेट भी हमारी क्या हो आई होगी, सॉरी 25% आएगी, 25%। तो रेट भी हमारी 1/4 आई होगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब रेट हमारी 1/4 आई है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो एक्चुअल रेट होगी × 4 कर लेना, तो आपका 100% आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? होना चाहिए, देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सर T3 होगा ना, 4 4 ना, भाई क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आती तुम्हारी, है ना? सर 4 कैसे सर, है ना यार, 3 होना चाहिए ना। अच्छा, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, चक्कर तो ये हो रहा है, सारी समस्या बुद्धि में है, ये अपने हिसाब से गणित को चला रहे हैं भाई, दिक्कत यहाँ आ रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इनको तिमाही नहीं पता कि भैया 1 साल 12 महीने का होता है, 3 3 महीने के कितने सेक्टर बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, इनको पता ही नहीं है। यार 3 होना चाहिए ना, यहाँ तिमाही दे दिया तो 3 होना चाहिए, यहाँ चौथाई दे देगा तो 4 होना चाहिए, है ना? अच्छा, मैं अब यहाँ क्वार्टरली लिख दूँ, क्वार्टरली ले रहे हो आप, तो 3 3 महीने का आएगा, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं, 3 मानो, फिर कह दो ना सर ने गलत पढ़ाया था। बेसिक तो क्लियर नहीं करते हो तुम लोग, 3 4 में कंफ्यूजन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इसका जवाब आप देंगे।
नहीं, डीआरडीओ में रेलवे से हाई लेवल नहीं है, लेकिन क्या होता है सिलेबस जो है वो अलग है थोड़ा, उसमें बैंक का थोड़ा बहुत सिलेबस आएगा। नहीं यूट्यूब पे नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप जानते हो। ठीक है, देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक हैं। अब 30% अधिक क्या होता है बताओ, 10 से कितना हो जाएगा 13। दो संख्याएं तीसरी संख्या से आपकी अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनना हो, ठीक है, तो तीसरी संख्या से है ना, तो आप मुझे बताओ आप तीसरी संख्या को मानोगे या क्या मानोगे। तीसरी संख्या को आप मान लीजिए 10, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 13। मैं ये कह सकता हूँ 60% अधिक है तीसरी संख्या से, तो आपसे मैं ये कह दूं दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ 10, तो ये हो जाएगी 16। तो आपसे यही तो मैंने कहा है कि रेशो जमा दो आप दोनों संख्याओं का, तो 10 के बगल में प्लॉट खाली है तो 10 आ जाएगा या कौन आएगा। यहाँ हम इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ हम अपना दिमाग क्या लगाएंगे कि भैया देखो ये अगर इक्वल है तो हमें तो सिंपल पता लग गया ना कि 3 को चेंज ही नहीं करना, तीसरा तो बराबर है, प्लॉटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं 13, 16, 10, क्योंकि यहाँ पर तीसरी संख्या को बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब एक कह रहा है 100 मानो, अब यही तो बात है भाई, 100 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है भाई। 100 मान लोगे तो 100 से 130 कर लोगे, 100 से 160 कर लोगे, 130 और 160 का रेशो कितना आएगा, 13, 16 ही तो आएगा, क्या दिक्कत है, मतलब दिमाग क्या नहीं चला रहे हो तुम भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो, ऐसे काम चलेगा क्या। चलो ऑप्शन नंबर सी बताओ। सब बता देते हैं, ब्लफ भी मैं खेल सकता हूँ ना, और तुक्का मारने वालों का कुछ नहीं है पहली बात तो, ठीक है। सी बता दिया, सी बता दे, सी सही होगा तभी तो बताया ना, क्या सही है क्या गलत है ये देखते हैं, तुम नकल कितनी करते हो। आराम से पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दिया करें। चलिए नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, आ जाइए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त को एक आयत में इस तरह अंकित किया गया कि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। ये आयत बनाया मैंने, एक अर्धवृत्त को एक आयत में इस तरह अंकित किया गया, एक अर्धवृत्त को आयत में इस तरह अंकित किया गया इस तरह अंकित किया गया कि अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का जो व्यास है आयत की लंबाई के बराबर है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं व्यास आयत की लंबाई के बराबर है, यानी कि पूरा का पूरा परफेक्ट सेट है मामला। जी बिल्कुल, यानी कि अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा 2r हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है आपसे, यहाँ से यहाँ तक भी आपके क्या बोला गया है, और अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 50 पाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको 50 पाई दे रखा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपसे बोला यही गया है कि लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर अगर 50 पाई है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 50 पाई, पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, आर बराबर आपका 10 आ गया तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 20, और ये भी तो रेडियस ही है भाई, सेंटर से केंद्र इसकी दूरी ये 10, तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 आयत का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, करके आने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। सही जवाब देना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिएगा। अब बोला गया है दो सहेलियां हैं, सीमा और रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद। लास्ट बट टेलर चलिए, चल दो सहेलियां हैं, गुड। सीमा रेखा बराबर धनराशि लेकर शॉपिंग करने जाती हैं। बराबर धनराशि लेकर शॉपिंग करने चली गई। अब सीमा ने क्या किया, 95 रुपीज जूते खरीदे और रेखा ने कपड़े खरीदने में 350 रुपये खर्च कर दिए। यानी रेखा के पास सीमा के पास बची धनराशि का 4/7 भाग बचा है, तो शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धनराशि बची थी। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं मानता हूँ सीमा एस है और उसके पास एस रुपए हैं, तो उसने 95 रुपए खर्च कर दिए, आया ना, बोलो 95 इसने खर्च कर दिए। और रेखा ने कितने खर्च कर दिए, रेखा -350। कोई दिक्कत आपको, सीमा ने 95 खर्च कर दिए, रेखा ने इतने खर्च कर दिए। अब आपसे एक चीज बोली गई है, रेखा के पास सीमा के पास बची धनराशि का 4/7 भाग बचा है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, तो रेखा के पास है वो, सीमा के पास जो धनराशि है उसका 4/7 बचा है। क्लियर है, तो जो बराबर करना था बराबर करना है, ये आपके समाज में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और दोनों जो दोनों सीमा और रेखा है बराबर धनराशि लेकर शॉपिंग जाती हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सीमा और रेखा बराबर हैं, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, फोर, इसको एक्स मान लो, 4x-95 × 4 बराबर 7x-350 × 7। तो यहां से आपका कितना आ गया, 350 × 7 -95 × 4 बराबर 3x। अब यहाँ x बराबर आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 690 आ रही है, वेरी गुड। तो आपसे बोला गया है x बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 690। चलिए, तो यहाँ से x 690 निकल कर आ गया, तो आपसे क्या बोला गया, शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धनराशि बची, तो शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितना है, सीमा के पास x ही तो है भाई, जो भी हमने माना है, तो 690 - 95 कितनी बची भैया, 595, 595 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा, आसान था, सोच नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न करके आने एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, प्रद्युमन को काफी लॉन्ग आंसर लगा, प्रद्युमन आप बता दो कैसे हिसाब से पेपर आना चाहिए, मैं भेज दूंगा, उसी हिसाब से पेपर बनवा देंगे। फिर पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, फालतू बातें कहां से आती है प्रद्युमन, ये बताओ दिमाग में। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है यहां पर, तुम बस या तो कंफ्यूज रहते हो, या सर फिर ये समझ में नहीं आया, या फिर फालतू बातें करते हो। पढ़ाई कब करोगे। अगला प्रश्न, ट्राई करने का सोचा करो ना कि भागने का, भागने का पहले सोचते हैं हम लोग। नहीं आशीष, गलत कह रहे हो, बचा हुआ भाग है ना, तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन करिएगा, कैसे करेंगे भैया। देखिए, अंकिता ने पाठ्य पुस्तक 15% के नुकसान पर बेची। अंकिता ने पाठ्य पुस्तक 15% के नुकसान पर बेची,
अंकिता ने पाठ्य पुस्तक 15% के नुकसान पर बेची और 150 रुपये बढ़ी हुई कीमत के पाठ्य पर बेची जाती होती तो 10% का लाभ होता। अब आप लोग मुझे बताइए, 15% का नुकसान हो रहा था और 10% का, 15% का लॉस और 10% का प्रॉफिट, अब ऐसा क्या हुआ? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 25% का। क्योंकि आप जब लॉस में चल रहे थे और आप अब प्रॉफिट में आए हो और 25% का आपने इंक्रीमेंट किया है, वही आपका किसके बराबर है? 150 के बराबर है। यानी कि आप 100% निकालते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको जरा देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि साधारण ब्याज की आपको क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। अब आपको रेट निकालनी है तो 3 गुना हो गया, 3 गुना मतलब n-1 कर दो, यानी कि 2/8 × 100, आपका आंसर आ जाएगा 25%। ये बहुत आसान होता है कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, जल्दी से करके बताओ। ये हर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, पूरा का पूरा सेट है, प्रैक्टिस सेट करके बताया जाए। हाँ उत्तम प्रकाश, मेहनत करो भाई। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मेरे से भी बन जाते हैं, मैं भी टाइम देता हूँ, मैं आज भी मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें हमेशा पढ़ते रहना है, कभी भी आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो, बस आप पढ़ते रहो, बस हमेशा पढ़ना सीखो, अपने आप सब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, इस प्रश्न को कैसे करते हैं जरा देखिए। अब सिंपल है, आप देख पा रहे हैं कि भाई पॉइंट है, दशमलव देखो, दशमलव दशमलव देखा, इसके बाद जो भी आ रहा है वो देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ इसके बाद 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 18 18, यानी कि 8 आएगा। ठीक है, तो एक कैरी चला गया, तो एक एक यहाँ जुड़ेगा, 4 4 और बस 4 ही है, तो यहाँ पर सॉरी 3 9 और 9 18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 30.9 है ना, 30.9 और 3.09, 0.309 और 0.039, ठीक है, और 309 क्या हो गया, 9 9 18 कैरी आया एक, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 और 4 13 कैरी आया एक, 9 और 4 13 कैरी आया एक, 10 और 3 13 आ गया भी 343 348। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये देखिए, सभी का आंसर आए, अच्छी बात है, वेरी गुड दीपू। अब देखो एक एक सेकंड में अपने आप आ जाते हैं आंसर, लोग कहते हैं सर कैसे आते हैं, जब क्वेश्चन ही ऐसा है तो आंसर आएंगे ही ना। जब वर्क की बुझाएं 10% आपकी इंक्रीज कर दी जाए तो सक्सेसिव केस आपका लग जाएगा इसमें, ठीक है। आप ये कह सकते हैं भैया 10% की प्रत्येक भुजा में हो रही है, तो 10 से 11 हो गई एक भुजा, 10 से 11 हो गई दूसरी भुजा, यानी कि हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 100 से क्या हो जाएगा, 121, 121% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न, करके बताओ।
चलिए कैसे करेंगे जरा देख सकते हैं आप लोग। देखो भैया 300 किरण क्या कर रही है, 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर की चाल से और शेष समय के लिए 55 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। अधिक गति से किरण ने कितने समय में यात्रा की? अच्छा ये बताओ, एलिगेशन हम लगाते हैं स्पीड में, तो हमारा जो रेशो आएगा वो टाइम का ही आएगा। अगर स्पीड में हम एलिगेशन लगाएं तो जो रेशो निकल कर आएगा वो टाइम का आएगा। सर कैसे लगाएंगे? देखो एलिगेशन देखिएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कुछ समय 75 और कुछ समय 55। ओवरऑल कितना आ रहा है? 300/5 यानी कि 60 आ रहा है। एलिगेशन लग गया, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया कितना 5, 1:3। अब आप लोग ये देखिएगा समय कितना लग रहा है टोटल, तो टोटल समय क्या मैं ये कह सकता हूँ आपसे 5 घंटे? 5 घंटे तो लग रहे हैं, देखो ना 5 घंटे लग रहे हैं टोटल। तो क्या हम कह सकते हैं 4:5 घंटे लग रहे हैं? आपसे बोला गया अधिक गति से तय करने पर, अधिक गति कितनी है 75, तो इसको कितने लगेंगे? 5/4 यानी कि 1 घंटा 1 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 75 मिनट। ठीक है अंकित पूछ रहे हैं कैसे, अंकित कैसे होगा, मतलब कोई कोई तरीका भी तो कर रहा हूं ना मैं, सॉल्व करके बता रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हो कैसे, तो फिर क्या करें बताओ। सर 4 कैसे आया भाई? अरे 3 और 1 4 रेशो नहीं है क्या? ये टाइम का रेशो ही तो आएगा। अब तुम्हें बेसिक ही नहीं क्लियर है यार, तुम्हें क्या करें? 4:5 आपका 5 आ गया, 5 घंटे आ गया, आपको 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 75 की स्पीड से 1 रेशो आ रहा है। ठीक है चलिए, फिफ्टी सेवन चलिए। दीजिए चलो करके बताओ आंसर। अरे करण बेसिक मैथ लेके आओ, बेसिक मैथ कितनी बार करा दी पता है क्या तुम्हें? पता है बेसिक मैथ कितनी बार करा दी? ऑलरेडी 10-20 बार हो चुकी है ना, अब तुम पढ़ोगे नहीं, 10 बार भी नहीं पढ़ोगे तो फिर एक बार फिर क्यों प्रैक्टिस कब करोगे फिर तुम भाई? एक बार फिर तुम्हारे कहने पर चल पढ़ाई पर ध्यान दो ज्यादा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हुई है अनअकैडमी पर सारा देख सकते हो। ठीक है ना, अब कोई कहेगा सर एडवांस दोबारा पढ़ा दूं, एडवांस दोबारा पढ़ा दूं, ऐसा नहीं होता ना, तुम सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अब तुम इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। इम्प्रूवमेंट करो खुद के अंदर, जो भी चीजें रह रही है उनको पढ़ना सीखो। 10-10 बार पढ़ाने से जरूरी नहीं कि अच्छा हो, आप प्रैक्टिस करने पर ध्यान। ठीक है चलिए, तो क्या बोला गया है, 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु आपकी 15 साल है। अब यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं उस टीचर की एज क्या हो जाएगी? डायरेक्टली निकालना बताया था मैंने, टीचर की एज निकालना क्या बताया था ध्यान से देखो कि भैया कितने, पहले 15 साल है ना, बिल्कुल 15 साल है, प्लस अब 35 छात्र हैं, 35 छात्र हैं, एक छात्र नया आ जाता है जो अध्यापक है, और औसत कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि 15 + 36 आपकी जो टीचर होगा उसकी एज डायरेक्टली निकाल लोगे आप? 51 जी, ऐसे ही निकालना है। ठीक है अब आगे बात करते हैं, उसकी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। अब अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है जिसमें उसकी पत्नी है और पुत्र है। ठीक है तो हम ये कह सकते हैं उसकी वाइफ है, उसका सन है और खुद टीचर है, तो 120 हो जाएगा। औसत आयु अगर 40 है तो टोटल 120 हो गया, और पुत्र की आयु माँ से 80% है। तो क्या हम ये कह सकते हैं पुत्र की आयु माँ से 80% है? तो माँ की अगर 5x है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 4x। सिंपल है भाई, क्या दिक्कत है। और पिताजी की वो टीचर की आपको पता है 51 है, कर दीजिए। 9x बराबर कितना हो रहा है?
नाइन एक्स बराबर 99, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा 80% कम है ऐसा बोला गया है ना, सही है। यहाँ बोला गया है पुत्र की आयु माँ से 80% कम है, तो एक्स रह जाएगा ना, फिर मुझे लगा 80% है, एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, 6x बराबर 99, ठीक है। तो x बराबर निकल जाएगा कितना, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 120 आएगा ना यहाँ पर, तो 120 में से आप क्या करोगे, 51 को माइनस करोगे तो 69 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है 69/6, तो यहाँ से कर सकते हैं हम 2x बराबर 23, ठीक है, 3 से मैंने काट दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी पत्नी की आयु, x बराबर आपका 23/2 है, पत्नी का 5 से गुणा कर देंगे, 115/2, 57.5, ठीक है, क्लियर है सर। 80% कम को सॉल्व कैसे किया, परसेंटेज पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा होगा, दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा ना परसेंटेज, क्या तुम हद कर रहे हो यार तुम, तुम्हें ये नहीं पता मैंने 80% कम को कैसे बताया था परसेंटेज में, ये तो बहुत सिंपल परसेंटेज है भाई, 80% होता है 4/5, यानी कि 5 कोई संख्या है उसमें से 4 की कमी कर दो तो 1 रह जाएगा। कहाँ दिमाग है पता नहीं, कुछ पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए इतने दिन से, पेपर पहले हो जाता तो क्या होता तुम्हारा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतने दिन से कर क्या रहे थे भाई। सर 25 into 5/2 को सॉल्व कर दूं, अच्छा तो ये 115/2 होगा और ये होता है 57.5, ऐसे काम नहीं चलेगा, जितने भी स्टूडेंट ये सब कर रहे हैं हरकतें वो अपना भविष्य खुद देख लें क्या होगा, लेकिन तैयारी करना जरूरी है, आप अच्छे से तैयारी करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्रिपरेशन करो, जो आपका बेसिक वीक है उसको क्लियर करो, है ना। तो सेप्टेम्बर में अगर पेपर हो जाता तो क्या होता, तुम तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाते, तो अभी आपको इम्प्रूव करो ना अपने आप को भाई, अभी समय है, इनकी वजह से बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, उनकी स्पीड में इम्प्रूव नहीं कर पाता हूँ, तो आप मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरी बात आज सुन लो चुपचाप, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं आता ना, तो प्लीज इम्प्रूव योर बेसिक, ठीक है, इम्प्रूव करो बेसिक सभी चैप्टर्स के। अब सर कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे यहाँ, कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड में जाओगे आप तो आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, एडवांस मैथ का कोर्स अभी चल रहा है उसमें से आप एडवांस मैथ पढ़ सकते हो, नंबर सिस्टम का कोर्स आप मिल जाएगा आपको, साथ के साथ अर्थमेटिक का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर देखना स्टार्ट करो, अन अकेडमी पर बात कर रहा हूँ। अगर भाई किसी को यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब में भी मेरी सारी क्लासेस हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, तो आपके पास दोनों साधन है, सभी की क्लास मिल जाएंगी, आप जाकर देखो जिनको नहीं आता, और बूस्टर से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस पढ़ के आओगे तब, ठीक है ना। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन है जो बचे हुए, आप इसको ट्राई करना देखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ पढ़ा रहा हूँ मैं, डीआरडीओ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन है आपको देखने हैं और आप कर सकते हो, ठीक है, मैं इनकी सॉल्यूशन फाइल डाल रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर।